हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बेस्ट लर्निंग क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आप प्ले में जाके वीडियो चेक कर सकते हो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं द ऑथराइज कैपिटल ऑफ सारंग लिमिटेड इज वन ट्वेंटी डिवाइडेड इन टू ट्वेल्व लैक शेयर्स ऑफ टेन ईच ओके आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड एट लाख शेयर ऑफ टेन ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ट्वेंटी परसेंट ठीक है मतलब पूरे बारह लाख शेयर्स में से ही हमने आठ लाख ,00 ही इशू किए हैं और बीस परसेंट के प्रीमियम पे इशू किए हैं फेस वैल्यू दस रुपए की है ओके आपने पैसा कैसे मंगवाया है एप्लीकेशन पे दो रूपये मंगवाए हैं अलॉटमेंट पे छह रुपये मंगवाए हैं और उस छह रूपये में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है फर्स्ट कॉल पे दो रुपये मंगवाए हैं और बाकी का पूरा बचा हुआ पैसा हमने कहाँ पे मंगवा लिया फाइनल कॉल पे मंगवा लिया हमने मंगवाए थे आठ लाख शेयर पे पैसा बट पैसा हमें मिला कितने शेयर पे है सात लाख अस्सी हजार शेयर पे ठीक है सारा पैसा हमें पूरा मिल गया वो हमें कह रहे हैं कि बैलेंस शीट बनानी है तो अगर बैलेंस शीट बनानी है तो नोट्स टू अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा तो स्टार्ट करेंगे हम नोट्स टू काउंट से ही ठीक है और फिर हम बैलेंस शीट पे जाएंगे तो सबसे पहले जैसे हमारा शेयर कैपिटल आता है ठीक मतलब है मतलब जब एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें मेन मेन चीजों में शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल में सबसे पहला जो हेड आता है वो आता है ऑथोराइज कैपिटल तो क्या मुझे ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में गिवन था तो बिल्कुल गिवन था ट्वेल्व लैक शेयर्स एट द रेट टेन ईच यानी कि 120 ट्वेंटी लैख के मुझे शेयर्स गिवन थे ठीक है ऑथराइज कैपिटल में अमाउंट गिवन था उसके बाद अगर हम इशूड कैपिटल में जाएं तो स्टूडेंट हम लोगों ने कितने इशू करे थे हम लोगों ने 8 लाख शेयर पे पैसा मंगवाया था 8 लाख एट द रेट दस ईच यानी कि अस्सी अस्सी लाख रुपए हम लोगों ने मंगवाए थे अब बात आती है सब्सक्राइब कैपिटल की और ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सब्सक्राइब कैपिटल जो होता है उसको हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं कि सब्सक्राइब्ड एन फुली अप है या फिर सब्सक्राइबड एंड नॉट फुली अप है तो ये फुली अप की कैटेगरी में आएगा तो कि कोई भी एरर नहीं हुआ है ठीक है सिंपली सात लाख अस्सी हजार रुपये पे हम लोगों के पास पूरे पैसे आ गए हैं ठीक है नॉट फुली अप का आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक शेयर होल्डर था सौ शेयर उसके पास थे उसने हमें पैसा नहीं दिया तो वो चला जाएगा नॉट फुली अप में अदरवाइज यहाँ पे फुली पेड अप में जाएगा सेवेंटी एट लाख रुपीस क्लियर है इसके बाद स्टूडेंट देखो यहाँ पे सिर्फ फेस वैल्यू मेंशन होती है शेयर कैपिटल के कॉलम में फिर जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे कि रिज़र्व्स एंड सरप्लस में मैं डाल दूंगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो कितना था बीस परसेंट था ना तो देखो टेन का अगर मैं ट्वेंटी परसेंट निकालूंगी तो वो कितने रुपए आ जाएगा दो रुपए आ जाएगा तो इट मीन्स कितने शेयर पे पैसा आया है सेवन लैख एटी थाउजेंड पे दो रुपए यानी कि इतना पैसा कहाँ से आया रिजर्व एंड सरप्लस में आया सिक्योरिटी प्रीमियम वाले अमाउंट से आया राइट right? और लास्ट में स्टूडेंट कैश एंड कैश इक्वेलेंट तो कैश एंड कैश इक्वेलेंट में तो हम लोग कैश एट बैंक डायरेक्टली मेंशन कर देंगे कितना पैसा आया देखो आप लोगों के पास सिंपली सेवन लैक एटी थाउजेंड शेयर पे मेरे पास जो पैसा आया है वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करके लिख दिया यही तो पैसा आया ना दस रुपये की फेस कॉल और दो रुपये का प्रीमियम राइट right? तो हर चीज़ क्वेश्चन में गिवन होती है बस हमें देखो बैलेंस शीट में तो अगर फॉर्मेट पता है तो सिर्फ लिखते जाना है हाँ अगर मुझे लगता है गलती यहाँ पे होगी तो वो दो चीज़ों में हो सकती है पहली या तो ये अमाउंट आप गलत निकाल लेते हो और दूसरी गलती क्या होती है कि यहाँ पे हम लोग इसको नॉट फुली अप में लिख देते हैं बट ये फुली अप में आएगा कोई भी एरर नहीं हुआ है ठीक है अब क्या करेंगे जो चीज़ आपने निकाली है उसको अब आप बैलेंस शीट में पुट कर दोगे तो देखो बैलेंस शीट में क्या आएगा जैसे सबसे पहला हेड है शेयर होल्डर फंड्स तो इसमें फर्स्ट हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल और सेकेंड लिखेंगे एंड सरप्लस अगर कोई लाइबिलिटीज होती हैं तो वो भी मैंशन कर देते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही आएगा राइट right? तो इट नोट नंबर वन और एट नोट नंबर टू तो यहाँ आ गया सेवेंटी एट लैख और यहाँ आ गया वन फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर ये भी हम लोग निकाल ही चुके हैं तो टोटल तो करके ये अमाउंट आ जाएगा और एसेट्स में तो सिंपली बस करंट एसेट्स हैं और करंट एसेट्स के अंदर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ठीक है और एक कैश एंड कैश रिटिव एंड नोट नंबर थ्री में यही सेम अमाउंट निकल के आया था सो दैट्स इट राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घोष लिमिटेड मेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स थाउजेंड इक्विटी शेयर एट द रेट टू पर शेयर ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन सेकेंड और फाइनल कॉल कितने शेयर पे मंगवाई पचास हजार शेयर पे कितना पैसा मंगवाया दो रूपये मंगवाया और कब मंगवाया वन जनवरी टू को मंगवाया सारा का सारा पैसा आपको 15 जनवरी 2016 को रिसीव हुआ है बट 100 शेयर पे पैसा नहीं आया तो ये है कॉल्स इन एर राइट ओके हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है ओके तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखो सबसे पहले अगर आपको पता हो कि देखो सिर्फ एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री होती है बट बाकी सब में पहले हम लोग ड्यू करते हैं एंड देन रिसीव की एंट्री करते हैं तो यहाँ पे भी पहले ड्यू करेंगे तो मैंने ड्यू किया शेयर सेकेंड

अब बात आती है कि ये कैसे पता लगा कि यहाँ पे वन लाख रुपीज आएगा क्योंकि तो उन्होंने बोला हुआ है कि फिफ्टी थाउजेंड शेयर है और हम दो रुपये मंगवा रहे हैं तो कितना हो गया एक लाख रुपये हो गए ठीक है तो इतना पैसा मैंने मंगवाया मैंने ऐसे ड्यू कर दिया इसके बाद क्या करेंगे अब रिसीव की एंट्री करेंगे तो क्या सारा का सारा पैसा रिसीव हुआ है नहीं हुआ कॉल्स इन एरर हो गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अब तीनों चीजों का मैं आपको रीजन बताती हूँ नंबर वन आपके पास पैसा आया तो बैंक में पैसा आएगा बैंक एक एसेट है बढ़ेगा तो डेबिट कर दिया सेकेंडली कॉल्स इन एरर को डेबिट इसलिए करते हैं बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो कॉल्स इन एरर हुआ है मेरे को एक पर्सन ने पैसा नहीं दिया है तो वो मेरे लिए एक लॉस हो गया है तो मैंने उसको डेबिट किया शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल यहाँ पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि तो जो ये शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल होता है ये टेम्परेरी अकाउंट होता है इसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता तो अगर पहले मैंने डेबिट कर दिया था और अगर मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगी तो ये अकाउंट खत्म हो जाएगा और बैलेंस शीट में नहीं जाएगा जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि बैलेंस शीट में सीधा सीधा शेयर कैपिटल लिखते हैं उसमें सब्सक्राइब कैपिटल लिखते हैं और ये वाला जो पार्ट है ये नॉट फुली अप में चला जाएगा बट ये टेम्परेरी अकाउंट है तो इसको कैंसिल करना है तो मैंने आपको तीनों चीजों का रीजन बताया कि ये एंट्री कैसे से बनी रटना नहीं है समझना है इसलिए लॉजिकली चलेंगे हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे तो सिर्फ देखो जो सौ शेयर जिसकी वेंकट के पास थे उसने मुझे दो रुपए नहीं दिए ना यानी कि दो सौ रुपए नहीं दिए तो पूरे एक लाख में से मेरे पास दो सौ रुपए नहीं आए तो बाकी का तो पूरा पैसा आ गया ना तो इस तरीके से ये एंट्री आप लोगों ने बनानी है ठीक है आई तो होप अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने ये अमाउंट लिखा है कि पूरे एक लाख रुपए में से सिर्फ दो सौ रुपए नहीं आए हैं तो बाकी के नाइनटी नाइन एट हंड्रेड रुपीज मेरे पास आ गए हैं तो आप नरेशन में लिख सकते हो कि बींग सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीप्ट क्लियर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में क्या बोला है अमित लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ फाइव लाख इन शेयर्स ऑफ टेन ईच ठीक आई मीश्योर ट्वेंटी थाउजेंड शेयर सच शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ टू पर शेयर जिसमें से दो रूपए एप्लीकेशन पे पांच रूपये अलॉटमेंट पे दो रूपये फर्स्ट कॉल पे आने वाले हैं ठीक है सारा जो पैसा एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे आना था वो हमें मिल गया बट जब हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई तो एक शेयर होल्डर ने तीन सौ शेयर पे पैसा नहीं दिया और दूसरे शेयर होल्डर ने हजार शेयर पे पैसा नहीं दिया है ठीक है तो कुछ नहीं है बस वो आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहते हैं कॉल्स एंड एरर का ठीक है तो हम उसी को समझते हुए चलेंगे तो वही सेम चीज है कि पहले हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं है ना तो बैलेंस शीट में पहले नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो देखो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल का हेड और शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल तो अगर मुझे यहां पे ऑथोराइज कैपिटल लिखना है तो देखो उस केस में क्या आएगा स्टूडेंट उन्होंने बोला है फाइव लाख रुपीज का अमाउंट है और एक शेयर दस रुपए का है तो इट मीन्स यहाँ पे कितने शेयर होने चाहिए फिफ्टी थाउजेंड तभी तो यहाँ पे फाइव लाख बनेगा ना तो उन्होंने हमें फाइव लाख का अमाउंट बता दिया था ऑथराइज कैपिटल का और दस रुपये का एक है ये बता दिया था तो मैंने यहाँ से पता लगा लिया कि पचास हज़ार शेयर हैं फिर मैंने इशू करा तो मैंने कितने शेयर इशू करे मैंने बीस हजार शेयर इशू करे ध्यान रखना यहाँ पे हर जगह मैं सिर्फ फेस वैल्यू मेंशन करती हूँ प्रीमियम हम रिजर्वसन सरप्लस में लिखेंगे ठीक है देन हम चलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल पे अब सब्सक्राइब कैपिटल में दो कैटेगरीज बनती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था तो नंबर वन कैटेगरी होती है फुली पेड अप और नंबर टू होती है नॉट फुली पेड अप तो यहाँ पे हम नॉट फुली पेड अप के केस में जाएंगे बिकॉज पैसा हमें बीच में से एरर हुआ है तो इट इज़ सब्सक्राइबड एंड नॉट फुली पेड अप तो देखो किस तरीके से हुआ है देखो स्टूडेंट उन लोगों ने हमें ये बोला है कि जो फर्स्ट कॉल है ना वो हम लोगों ने तीन महीने के बाद मंगवानी है तो फिलहाल मैंने कितना पैसा मंगवाया है पाँच रुपये अलॉटमेंट पे और दो रुपये मैंने एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं राइट तो इतना पैसा मैंने मंगवाया है टोटल था दस रुपये का बट अभी कॉल कितना किया है अभी कॉल हम लोगों ने सात रुपये किए हैं ध्यान रखना प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे आप लोगों ने इंक्लूड नहीं करना है तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिख के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने मंगवाया देखो पहले ये चीज़ अपने पास आप नोट कर लो उन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं दो रुपये हैं ठीक है अलॉटमेंट पे प्रीमियम इंक्लूडेड है प्रीमियम कितने रुपए का था दो रुपए का था यानी कि थ्री प्लस टू बन गया ना अलॉटमेंट का एंड देन बाद में बात आती है फर्स्ट कॉल की तो फर्स्ट कॉल देखो फर्स्ट कॉल उन लोगों ने मंगवाई है दो रुपए की राइट right? तो अभी हम लोगों ने देखा जाए तो क्वेश्चन में उन्होंने अभी हमें ये नहीं बताया कि फाइनल कॉल मंगवाई है नहीं मंगवाई तो हम अपने हिसाब से कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे तो टोटल बीस हजार शेयर पे स्टूडेंट अभी मैंने सात रुपये मंगवाए सात कैसे आए थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस टू सेवन ये प्रीमियम का अमाउंट मैं यहाँ पे नहीं लूंगी इसको मैं रिजर्व सरप्लस में लेके जाऊंगी इस चीज का ध्यान रखना इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से लिख के दिखाया आपको ठीक है तो ट्वेंटी थाउजेंड शेयर पे मैंने सात रुपए मंगवाए हैं तो ये अभी क्या है कॉल्ड अप है अभी मैंने इतने ही मंगवाए हैं तो एक लाख चालीस हजार मंगवाए हैं बट मेरे को क्या हुआ मेरे को तो कॉल्स इन एरर्स हुए हैं कॉल्स इन एरर्स हो गए हैं ना तो देखो कॉल्स इन एरर कितने हुए हैं क्वेश्चन पे वापस जाइए क्वेश्चन में आपको वहां पे लिखा हुआ दिख जाएगा कि एंटायर बैलेंस ऑन इज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर एंड एनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी तो उसने हमें फर्स्ट कॉल की मनी नहीं दी है तो कितने शेयर थे उसके हजार और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी दो रुपए की यानी कि दो हजार रुपए इसने हमें नहीं दिए तो कितने दिए वन लैख थर्टी एट थाउजेंड था। समझ में आया ऑथराइज कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन था इशूड भी क्वेश्चन में बताया हुआ था इतने मंगवाए हैं ये नॉट फुली अप था इसमें इन दोनों में बस एक एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हजार शेयर पे दो रूपये आपने फर्स्ट कॉल के मैंशन किए हैं दूसरी चीज यहाँ पे आप लोगों ने प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं करना वरना गलत आ जाएगा आंसर ठीक है अब देखो सेकेंडली अगर हम चलेंगे तो हम चलेंगे एंड सरप्लस के हेड की तरह और एंड सरप्लस में क्या सब हेड आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो कितना बीस हजार शेयर और प्रीमियम कितने रुपए का था दो रुपए का प्रीमियम था यानी कि कितने रुपए हमने मंगवाए थे चालीस हजार रुपए ठीक है इसके बाद देखो स्टूडेंट अब हम लोगों को उन्होंने ना हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जिस पर्सन के पास 300 शेयर थे उसने उसने क्या किया हमें साथ साथ सारा का सारा 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 का का पैसा पैसा दे दिया क्लियर तो देखो एक ही साथ सारा का सारा पैसा उसने कब दिया जब हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई ना तो उसने कहा कि मैं आपको फाइनल कॉल का पैसा भी अभी ही दे रहा हूँ तो वो हम लोगों के लिए लाइबिलिटी बन जाती है अगर कोई पर्सन हमें पहले से ही पैसा दे रहा है तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है ठीक है तो वो करंट लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएगा तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज तो करंट लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज में कॉल्स इन एडवांस आ जाएंगे तो कितने शेयर थे तीन सौ शेयर ध्यान से समझना क्योंकि तो ये चीज समझने में बच्चे को बहुत दिक्कत आती है अब देखो थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू सेवन तो अभी तीन रुपए बचे थे जो कि फाइनल कॉल पे आने चाहिए थे ये चीज तो आप लोगों को क्लियर है टोटल तो तो अगर दस रुपए की फेस वैल्यू थी तो दो रूपये का प्रीमियम साइड कर दो ठीक है उसको हमने साइड करके यहाँ पे लिख दिया तो तीन रुपये फाइनल कॉल पे आने चाहिए तो उसने हमें ये अभी दे दिया ना तो एडवांस तो सिर्फ फाइनल कॉल का हुआ बाकी सब तो आप मंगवा ही चुके हो समझ में आया आई होप क्लियर हो गया होगा कि कॉल्स इन एडवांस हम लोगों ने सिर्फ थ्री ही क्यों लिखा है क्योंकि तो फाइनल कॉल का ही सिर्फ एडवांस हुआ बाकी के तो पैसे हम मंगवा ही चुके हैं ना चलो ये हो गया और अब बस लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है कैश इन कैश इक्विवेलेंट लिख देना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो उसमें क्या आ जाएगा कैश एट बैंक आ जाएगा तो जितना जितना पैसा आया है ना वो आप लोग बस यहाँ पे मेंशन करके लिख दीजिए राइट तो देखो कितना पैसा आया स्टूडेंट आप लोगों के पास देखो ये वन लैख थर्टी एट थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड प्लस नाइन हंड्रेड तो वन सेवन एट नाइन डबल जीरो इतना पैसा आ गया है इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है अच्छा पॉइंट है ये ठीक है ना तो कि फाइनल कॉल का ना उन्होंने हमें अमाउंट बताया हुआ था बस इतना बता दिया एंटायर बैलेंस दे दिया जब हमने ये कॉल मंगवाई तो इट मीनस ये उसने हमें एडवांस में दे दिया अभी हमने मंगवाया ही नहीं उसने पहले ही दे दिया तो उसको मैंने करंट लाइबिलिटीज में लिखना है तो कई बार बच्चों को यही नहीं समझ आता कि कॉल इन एडवांस करंट लाइबिलिटी है भाई वो पहले से ही दे रहा है तो हमारे लिए लाइबिलिटी बन रही है तो बस आपने अब जो नोट्स टू अकाउंट में लिखा है उसको अब यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे तो शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले देखो क्या आ जाएगा शेयर कैपिटल तो ये नोट नंबर वन में हमने निकाला है वन लैख थर्टी एट थाउजेंड का ठीक है देन रिजर्व्स एंड सरप्लस तो रिजर्व्स एंड सरप्लस टू नंबर पे जाके फोर्टी थाउजेंड का ये आ जाएगा ठीक है एंड देन स्टूडेंट हम लोगों के पास यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज गिवन है ठीक है और करंट लाइबिलिटीज में काफ़ी सारे हेड होते हैं तो उसमें से कौन से हेड में आएगा अदर करंट लाइबिलिटीज में ठीक है और ये हम लोगों ने कौन से नोट नंबर में निकाला था नोट नंबर थ्री में कितने रुपए नौ सौ रुपये तो अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे इसका टोटल कर दोगे तो टोटल करके कितना आ जाएगा वन सेवन एट नाइन डबल जीरो एंड सेम वे में हम एसेट्स में जाएंगे तो देखो एसेट्स में जाके भी हम लोगों ने वैसे ही इसको मेंशन करना है कि ये है हमारे करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में कौन सा हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो डायरेक्टली आप नोट नंबर फोर लिख के वन सेवन एट नाइन डबल जीरो करके यहाँ पे टोटल लिख सकते हो वन सेवन एट नाइन डबल जीरो जो कि लाइबिलिटीज़ का भी टोटल आया था राइट right? बट इस क्वेश्चन में उन्होंने आगे हम लोगों से जर्नल एंट्रीज भी मांगी हुई हैं अगर आप क्वेश्चन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने आपसे जर्नल एंट्रीज भी मांगी हुई हैं तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे तो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो बीस हजार शेयर पे एप्लीकेशन के दो रुपए मैंने मंगवाए तो चालीस हजार रुपए आ गए तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड ठीक है नंबर टू पहले एप्लीकेशन में रिसीव की एंट्री होती है एंड देन ट्रांसफर की एंट्री होती है तो टू शेयर कैपिटल अमाउंट अच्छा शेयर कैपिटल की एक खास बात है जितना यहां आता है ना वही सेम अकाउंट भी यहां आएगा और वही सेम अमाउंट भी यहां आएगा ठीक है तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल नंबर थ्री अब हमने शेयर अलॉटमेंट मंगवाया तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अब इसमें ध्यान रखना कि फेस वैल्यू का अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगा और प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा तो देखो वही करेंगे हम बाइफरगेट करेंगे उस अमाउंट को तो देखो अलॉटमेंट पे मैंने टोटल फाइव रुपीज मंगवाए हैं ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स पे तो उसमें से स्टूडेंट थ्री रुपीज की जो फेस वैल्यू है उसको मैं शेयर कैपिटल में डाल दूंगी और बाकी के जो टू रुपीज का प्रीमियम है उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेंगे तो टोटल तो मेरे पास वन लाख रुपीज आ रहे हैं जिसमें सिक्सटी थाउजेंड जो है वो शेयर कैपिटल के हैं और बाकी के फोर्टी थाउजेंड किस चीज के हैं बाकी के फोर्टी थाउजेंड सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं तो ये हम लोगों ने क्या किया शेयर अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया तो बींग शेयर अलॉटमेंट ड्यू शेयर अलॉटमेंट ड्यू हो गई अब नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे तो देखो अब नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे अब हमारे पास शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगी रिसीव हो जाएगी राइट right? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो सिंपली पूरा पैसा अलॉटमेंट पे तो आ गया था तो पूरे एक लाख के एक लाख रुपए आप लोगों को रिसीव हो गए तो आप नरेशन में लिख सकते हो कि बींग शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड ठीक है अब नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे तो नेक्स्ट एंट्री किस चीज की आएगी शेयर फर्स्ट कॉल की तो पहले हम शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू, ड्यू करेंगे तो, शेयर फर्स्ट डेबिट शेयर तो कितना आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड रुपीज कैसे आया फोर्टी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड शेयर से और दो रुपए हम लोगों ने फर्स्ट कॉल पे मंगवाए थे तो नरेशन क्या आ जाएगी नरेशन आ जाएगी बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू ठीक है और लास्ट एंट्री क्या होगी अब फर्स्ट कॉल पे जो पैसा आया उसको चेक करेंगे कि कितना पैसा आया है तो देखो हमारे पास यहाँ पे एरर हो गया था और कॉल्स इन एडवांस भी था तो देखो जो एरर होता है वो हमारे एक्सपेंस होते हैं तो देखो कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट ठीक है और यहाँ पे क्या आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल ओके और ये क्या आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस तो दोनों चीजें मैं आपको समझाती हूं अब फिर हम इसको अमाउंट को देखेंगे ठीक है तो पहले समझते हैं देखो स्टूडेंट बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ क्योंकि बैंक में पैसा आया और जो हमारा बैंक होता है वो एक एसेट होता है एसेट अगर बढ़ता है तो हम उसको क्या कर देते हैं डेबिट कर देते हैं तो मैंने डेबिट कर दिया ठीक है तो फर्स्ट कॉल का पैसा आया कॉल इन एरर एक्सपेंस है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस डेबिट कर दिया शेयर फर्स्ट कॉल हम लोगों का टेम्परेरी अकाउंट होता है उसे क्लोज करना होता है तो पहले डेबिट किया था तो यहाँ पे क्रेडिट करके उसे खत्म कर दिया एंड देन कॉल्स इन एडवांस तो कॉल इन एडवांस हम लोगों की लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी को अगर लेके आना है बनाना लाइबिलिटी है को तो उसको क्या करोगे credit करोगे तो credit कर दिया राइट right? अब हम लिखेंगे हजार नहीं आए थे फर्स्ट कॉल थी चालीस हजार आया तीन सौ शेयर पे फाइनल नौ सौ रुपए उसने हमें दे दिए बैलेंस कितना बचा थर्टी एट नाइन हंड्रेड जो कि हमें मिल गया तो सिंपली हम आप लोगों की नरेशन क्या हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड डन स्टूडेंट देखो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो दिक्कत आएगी ही नहीं अब हम रट ले हां भाई याद कर लेते हैं कॉल इन ना डेबिट होगा और कॉल इन एडवांस क्रेडिट होगा भूल जाओगे गलती हो जाएगी एक चैप्टर ही नहीं पढ़ के जाना है और भी बहुत सारे चैप्टर हैं। बहुत कुछ याद रखना है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी देखिए प्रेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ रूपीज टू पर शेयर ऑन वन लाख इक्विटी शेयर ऑन फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अशोक का शेयर होल्डर होल्डिंग एट हंड्रेड शेयर पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट अलॉन्ग विदर्स्ट कॉल मतलब इसने क्या किया कॉल इन एडवांस किया है ना क्योंकि तो इसने हमें क्या किया फाइनल कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया तो कॉल इन एडवांस हो गया कहाँ जाएगा करंट लाइबिलिटी बनेगी क्लियर ओके okay. हमने फर्स्ट कॉल जो है वो एक लाख शेयर्स पे दो रूपये की मंगवाई थी ठीक है और सेकेंड और फाइनल कॉल तीन रूपये पर शेयर की थी हमें एंट्रीज करनी है तो देखो हमने पहले समझ लिया क्वेश्चन को अच्छे से अब हम इसकी एंट्रीज करेंगे तो देखो मैंने मंगवाई कौन सी कॉल फर्स्ट कॉल तो अगर मैंने फर्स्ट कॉल मंगवाई है तो पहले मैं फर्स्ट कॉल को ड्यू कर देती हूं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो एक लाख शेयर पे दो रुपये मंगवाए हैं यानी कि दो लाख रुपये मैंने मंगवाए इतना समझ में आया ठीक है तो पहले मैंने इतना करा मैंने क्या किया मैंने शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू किया तो बींग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू अब सेकेंड एंट्री पे चलेंगे अब मुझे फर्स्ट कॉल मिलेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या कोई एरर आपको क्वेश्चन में बताया हुआ था नहीं बताया था ठीक है तो इसीलिए डायरेक्टली लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल बट कॉल्स इन एडवांस है ना तो कि अशोक ने फाइनल कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया है तो ये कॉल इन एडवांस है हमारी लाइबिलिटी है इसीलिए इसको हमने कौन सी साइड लिखा है क्रेडिट साइड लिखा है टेम्परेरी अकाउंट था खत्म करने के लिए पहले डेबिट किया या क्रेडिट कर दिया बैंक एक एसेट है पैसा आ गया तो डेबिट कर दिया क्लियर तो देखो स्टूडेंट दो लाख रुपए तो मेरे फर्स्ट कॉल के ही थे है ना अब बाकी उसने हमें एक्स्ट्रा पैसा क्या दिया है उसके आठ शेयर थे और तीन रुपए की सेकेंड एंड फाइनल कॉल थी यानी कि चौबीस सौ रूपये उसने हमें दे दिए हैं तो बैंक में टोटल दो लाख चौबीस सौ रूपये आ गए ठीक है और वो कैसे आए वो आपको मैंने बता दिया अब नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे अब शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर देंगे तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो देखो सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की बनेगी शेयर तो आप लोगों के एक लाख रुपए के रहे और सेकेंड और फाइनल कॉल कितने रुपए की थी तीन रुपए की थी यानी कि तीन लाख रुपए यहाँ पे आ गए और उसके बाद क्या करेंगे अब हम लिखेंगे कि बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो आपकी सेकेंड और फाइनल कॉल तो तीन लाख रुपए की थी ना स्टूडेंट पर चौबीस सौ रुपए तो पहले ही मिल चुके हैं तो आप कितने मिलेंगे अब इतने मिलेंगे तो पहले मैंने अपनी लाइबिलिटी बनाई थी अब मैंने अपनी लाइबिलिटी खत्म कर दी समझ में आई ना ये चीज तो देखो कितना लॉजिक है अकाउंट्स में कुछ भी रटने वाला है ही नहीं पहले मैंने अपनी कॉल एडवांस से लाइबिलिटी बना ली क्यों क्योंकि अभी मैंने फाइनल कॉल मंगवाई नहीं थी अब मंगवा ली तो मैंने लाइबिलिटी को खत्म कर दिया तो बैंक में कितना पैसा आएगा जितना ऑलरेडी आ चुका है उसके अलावा जितना बचा वो आएगा तो टोटल तीन लाख में से अगर चौबीस पहले आ चुका था तो इतना और आ जाएगा राइट अब देखिए क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी वन देखेंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में हम लोगों को बोला हुआ है कि उषा लिमिटेड के अंदर कैपिटल दस लाख रुपए का है ठीक है जिसमें सौ ईच का एक है शेयर तो आपको ये पता लग गया इससे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं फिर वो कह रहे हैं कि नाइनटी परसेंट शेयर हमने पब्लिक से सब्सक्रिप्शन के लिए मंगवाए थे फोर्टी परसेंट एप्लीकेशन पे बीस परसेंट अलॉटमेंट पे और बाकी का जितना बैलेंस बचा है वो हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगवाया ठीक है एप्लीकेंट्स ने हमें थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज एप्लीकेशन पे दिए हैं वन लैख सिक्सटी नाइन थाउजेंड अलॉटमेंट पे दिए हैं और कॉल अभी तक हमने मंगवाई नहीं है तो उन्होंने हमसे काफी सारी चीजें पूछी हुई हैं ऑथराइज कैपिटल पूछा है इश्यू पूछा है सब्सक्राइब पूछा है कॉल डप पूछा है पेडअप पूछा है एंड कॉल्स इन एर पूछा है तो एक एक करके हर एक चीज को करते हुए चलेंगे है ना तो देखो स्टूडेंट उन्होंने हमें बोला कि जो ऑथराइज कैपिटल है वो इतना है और हर एक जो शेयर है वो कितने रुपए का है सौ ईच का है तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि मेरे टोटल शेयर कितने हैं दस शेयर है एट द रेट हंड्रेड ईच के तो ऑथराइज कैपिटल तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में था अब हम गए इशूड कैपिटल पे तो उन्होंने बोला है पूरे ऑथराइज कैपिटल का ना हमने 90% परसेंट ही सिर्फ मंगवाया है यानी कि मैंने कितने रुपए मंगवाए हैं मैंने नौ लाख रुपए इशूड कैपिटल मतलब मैंने इश्यू किया है कितना सब्सक्रिप्शन के लिए नौ लाख रुपए दस लाख रुपए की मेरी ऑथराइज कैपिटल थी अब सब्सक्राइब कैपिटल कितना है नौ लाख रुपए का ही है वो तो हमें डायरेक्टली पता लग गया अब कॉल्ड अप देखो आपने अभी स्टूडेंट उन्होंने हमें बोला हुआ है कि हम लोगों ने क्या नहीं मंगवाया है अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाई है मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है यहाँ पे तो अभी तक मैंने Uh, देखो कितने पैसे मैंने मंगवाए हैं फोर्टी एप्लीकेशन के और ट्वेंटी अलॉटमेंट के मतलब अभी तक मैंने सिर्फ साठ रुपए ही मंगवाए हैं तो देखो ये नाइन लैख है तो नाइन लैख कैसे आया नाइन थाउजेंड शेयर्स एट द रेट हंड्रेड इच तो इट मीन्स स्टूडेंट मैंने नाइन थाउजेंड शेयर पे कितना पैसा मंगवाया है सिक्सटी जिसमें से फोर्टी है एप्लीकेशन का और ट्वेंटी है अलॉटमेंट का तो टोटल पैसा मैंने अभी इतना मंगवाया है और मुझे मिला कितना है स्टूडेंट थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज मुझे मिले हैं किसके एप्लीकेशन के और उसके अलावा उन्होंने बोला है कि वन लैख सिक्सटी नाइन थाउजेंड मुझे मिल गए हैं अलॉटमेंट के तो इतना पैसा जो है वो मुझे मिला है अब आपको यहाँ पे साफ साफ देख के पता नहीं लग रहा कि इतना पैसा आपने मंगवाया और इतना ही आया तो कुछ ना कुछ तो यहाँ एरर हो गया है ना तो कितना डायरेक्टली ना? ना? तो तो कि इस, इस अमाउंट को माइनस करो कि इतना मंगवाया इतना मिला तो ग्यारह हजार रुपए का एरर हो गया या फिर दूसरा तरीका जो है स्टूडेंट वो आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे अलॉटमेंट पे जाओ अलॉटमेंट पे हम लोगों ने कितने पैसे मंगवाए थे नौ हजार शेयर पे हम लोगों ने पैसा मंगवाया बीस रुपए के अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे है ना तो मतलब मैंने कितना पैसा मंगवाया यहाँ पे वन लैख एटी नाइन वन लैख एटी थाउजेंड का और मुझे रिसीव कितना हुआ है अलॉटमेंट पे वन लैख सिक्सटी नाइन थाउजेंड का रिसीव हुआ है यानी कि यहाँ पे मुझे कितना एरर हो गया है ग्यारह हजार का हो गया है समझ में आई है चीज तो एक बार दोबारा से देखते हैं सारे पॉइंट्स देखो ये हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन था नाइन्टी परसेंट उसका आप लोगों ने सब्सक्राइब करने के लिए मंगवाया तो नाइन्टी परसेंट लिख दिया सब्सक्राइब कैपिटल उतना ही हो गया मंगवाया कितना अभी हमने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मंगवाई है ठीक है एप्लीकेशन चालीस रुपए की और अलॉटमेंट हमने मंगवाई बीस रुपए की तो इतना पैसा आ गया हम लोगों को मतलब जो हमने मंगवाया है बट हमें मिला कितना इतना एप्लीकेशन पे और इतना अलॉटमेंट पे तो एरर कितना हुआ ग्यारह हजार का या तो ऐसे निकाल लो या फिर देखो अल्टीमेटली आपको पता लग जाएगा कि एरर हुआ का है एरर हुआ है अलॉटमेंट पे कैसे नौ हजार शे रुपये बीस रूपये मैंने अलॉटमेंट पे मंगवाए थे पर मुझे रिसीव इतने ही हुए मतलब इतने का एरर हो गया तो आप या तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये रहेगा क्योंकि तो एग्जामिनर को भी पता लग जाएगा कि भाई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है उसने ये भी पता लगा लिया कि अलॉटमेंट पे एरर हुआ है और कैसे हुआ है वो भी हमने बायफर करके यहाँ पे कॉल इन एरर बता दिया तो अगर आप मेरे हिसाब से सोचोगे तो ये वाला वे सबसे बेस्ट है आप ये यूज करना ठीक है सो डैट्स इड फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे कोई भी डाउट नहीं रहा होगा स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल